पटियाला के रेलवे स्टेशन पर एकदम से सैकड़ों किसानों के द्वारा नारे लगाते आने से एक बात तो रेलवे विभाग के अधिकारियों को भी हाथों पैरों की पड़ गई, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि ये सब रेलगाड़ी के माध्यम से पटियाला से दिल्ली जाएंगे तो अधिकारियों को किसानों की मिन्नतें करते देखा गया, क्योंकि वे लोग रिजर्वेशन के डब्बों में चढ़ गए थे और उन्हें उतारने के लिए उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी किसान नहीं माने और रिजर्वेशन के डब्बों में ही चले गए। जब इसके बारे में अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर किसानों ने कहा कि वह कल के धरने में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर देश में भूमि ग्रहण बिल पास नहीं होने देंगे। मांगे इसका फिर जो पूरा फॉर्म बनाए उसके हिसाब से जो भी जो काल आएगी उसके हिसाब से हम अपने संघर्ष जारी रखेंगे। अभी ये प्रदर्शनी है क्योंकि अभी जो मॉनसून सेशन है इसके लिए जरूरी था कि ये लोगों का जो किसानों के हक में मतलब विरोध में जो बिल पास हो रहा है ज़्यादा उसी का है। इसके अलावा जो FCI को तोड़ना तो किसानों की खुदकशियां का मामला जो फसलों का ये पानी से नुकसान हुआ है उसका ये मंगे भी मतलब मंगा भी साड़ियाँ नाली ने तो ये मंगा ने विरोध असं दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कहाँ पे जो है धरना लगाने? दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने दे रहे हैं। पटियाला से आजाद TV न्यूज़ के लिए वरिंदर सैनी की रिपोर्ट।